सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। फिर मिले साची आर्यन, मुलाकातें हैं, फिर से शुरू हुआ रिश्ता साझेदारी का। प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी। लेकिन इस बार ये कहानी साची आर्यन की नहीं बल्कि है शिव्या पठानिया और किंगशु की। सुन मेरे हम सफर, और लव स्टोरी के फूल खिल रहे हैं इंडियन विकीमीडिया प्रेजेंट शोबिज़ विद भाभीज पे, जिसके सारे नजारे लेकर आए हैं सास बहू और बेटियां। शोबिज़ विद भाभीज़ की सारी बातें, सारी मस्ती आप देखेंगे सास बहू और बेटियां में। शिव्या पठानिया और किंगशु की मुलाकात हुई थी सोनी टीवी के सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का सेट पर। पर्दे का ये जोड़ा कब रियल लाइफ में एक दूसरे के करीब आ गया पता ही नहीं चला, और पर्दे की लव स्टोरी बदल गई रियल लाइफ लव स्टोरी में। शो तो बंद हो गया लेकिन लव स्टोरी चलती रही, और आज इंडियन विकीमीडिया प्रेजेंट शोबिज़ विद भाभीज में किंगशु को शिव्या आए हैं एक दूसरे के बारे में बातें करने, अपनी लव स्टोरी सुनाने। देखिए, आप लोग चाहते थे कि हम लाइव आएँ, आप लोग चाहते थे कि हम आपसे बहुत सारी बातें करें, तो आप शोबिज़ विद वापस में हमारी बहुत सारी जो आपको चीज़ें नहीं पता थी वो पता लगेगी, और हमने बहुत इन्जॉय किया है। बेसिकली आपको हमेशा आर्यन और साची दिखे हैं, किंशुक और शिव्या कुछ कुछ बाइट्स में दिखे, बट दिस इज़ प्योरली किंशुक और शिव्या, एंड बस हमने बहुत दिल से बातें की एक दूसरे के बारे में एंड सब काम के बारे में। पगली हमारी मॉम्स जो है वो ये बोलती थी कि पहले अपना होमवर्क खत्म करो, होमवर्क खत्म होगा तो हम शाकला का बूम बूम देखने देंगे। होमवर्क खत्म करते थे और फिर हम शाकला का बूम बूम देखते थे, और हम वो सारी पेंसिल्स खरीदते थे कि यार हम ड्रॉ करेंगे। बट आई नेवर थॉट दैट क्यूट चबी किड विल बी माय बॉयफ्रेंड। अब चूंकि ये शोबिज़ विद भाभीज़ के इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, इसलिए शो में हुई ढेर सारी क्यूट क्यूट बातें, पर्दे के पीछे की ढेर सारी गॉसिप जो शो की होस्ट वाहबीज़ दोराब जी ने इस क्यूट से कपल के साथ जानने की कोशिश की। वी हैव वन लिटिल बॉय जो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मैजिक पेंसिल से एक फेरी को भी ड्रॉ किया है, द क्यूट एंड द अडोरेबल किंशुक वैद्य एंड हिज फेरी शिव्या पठानिया। It's a pleasure to be so with you, and she is a darling. हमने इतनी बात पहले नहीं की थी, but off screen भी जो हमारी bonding है। मुझे भी actually पता नहीं था कि शिव्या इतनी बात करती है। We met at a friend's house, संजय गगनानी, और तभी हमारी इतनी बात नहीं हो पाई थी, but I think after meeting her today, she's a Leo, I'm a Saggy, she is my match, and she's become like a baby sister. नहीं, मैं बोलता हूँ जब सही वक्त होता है तब बोलता हूँ मैं। नहीं, बट जैसे कमिंग ईयर वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज वी वर बींग आर सेल्फ्स, वी वर टॉकिंग अबाउट आर सेल्फ्स, वी स्पोक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नेवर स्पोक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो इट्स गुड फॉर आर फैंस, दे गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। सास बहू बेटिया के कैमरे ने कैद किए शोबिज़ विद भाभीज़ के एपिसोड के कुछ खास नज़ारे, कुछ खास मोमेंट्स और कुछ पल। लेकिन इस एपिसोड का हाईलाइट थी शिव्या पठानिया की ये बोल्ड रेड ड्रेस। भाई, अब तक शिव्या को हमने हमेशा संस्कारी अंदाज में देखा है, लेकिन इस एपिसोड में ये दिखाई दी एक बेहद ऑफ शोल्डर रेड ड्रेस में। इन्होंने पहनी हुई थी टोन जीन्स, और सबसे खास था इनका ये बोल्ड अंदाज जिसे स्टाइल किया है इनके रियल लाइफ साथिया किंगशुक ने। For being my stylist for the show. Yeah, so basically I have styled, I have suggested her to wear this, and apparently she liked it, so she's worn it, and yeah. I think y'all will like it too. I'll see. It's a pair of jeans, it's torn jeans with heels, and I told Kinshuk that I want to go to the show, but I don't want to be very sophisticated and this and that and not talk much. Like, I want to be myself, so I want to wear something that shows what I am, carefree, frills and all. So that's the way I am. Pink gown pehna hai with silver work on it. And as usual, I just picked it from my cupboard. I've been styled by myself. The funniest part was I had planned that I'll wear something, and I had taken it out of the cupboard. And morning when I woke up,
it's not there and I realized my maid had just put it for wash. She had put it for wash. मुझे लगा भैया आपने कल रात पहना था तो मैंने तो धोने डाल दिया. And then I ended up wearing this, and this is a very nice jacket which one of my friend had gifted me recently, Hetendra Kopapara. So he's into styling and also he had gifted me this, and baki to bas usko mix and match maine khud kiya hai. And I chose to wear this t-shirt later on because thoda kuch matching ho jata hai. So we all are in some same color shade. शोबिज विद वहबीज में किंगशुक और शिव्या हैं इस सीजन के एपिसोड के आखिरी मेहमान और इसीलिए इस एपिसोड में हुआ जमकर हंगामा. लेकिन आखिरी एपिसोड में जाते जाते मिल लेते हैं इंडियन विकी मीडिया और शोबिज विद वहबीज के प्रोड्यूसर्स पंकित ठक्कर और वहबीज से. टीम इंडियन विकी मीडिया, सिद्धार्थ, आशीष, एवरीवन, ये सबकी मेहनत है इसलिए ये शो खड़ा हुआ है. ऑब्वियसली इन्होंने काम तो बहुत किया और बहुत सारे इनके फैंस हैं, लेकिन जिस तरह से ये शो में इन लोगों ने अपना यू नो रियल सेल्फ दिखाया है, इट्स रियली 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 वर्थ वॉचिंग. एंड दे आर सुपर रोमांटिक विद ईच अदर. एंड थैंक यू अमित फॉर एवरीथिंग. तो ये लास्ट एपिसोड है, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है. आपने अभी तक देखा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, इस पर और ज़्यादा मज़ा आएगा. एंड देखते रहिए शोबिज़ विद वहबीज़ ओनली ऑन इंडियन विकी मीडिया, बिहाइंड द सीन्स ऑन सास बहू एंड बेटिया. थैंक्स अमित. इस पर आशीष कुछ बोलेंगे, टेल अस समथिंग अबाउट योर काइंड ऑफ कल्मिनेटिंग द एंटायर शो. नए साल की शुरुआत हमेशा प्यार से की जाती है और इन दोनों का जो प्यार है वो हमारे व्यूअर्स को और हमको, हम सबको मिले, और यही यू नो इसी प्यार से लोग शोबिज़ विद वहबीज़ अगले सीजन में भी देखें. तो जल्दी सास बहू बेटिया में आप फिर से देखेंगे शोबिज़ विद वहबीज़ के कुछ अनदेखे नज़ारे जब ये आएगा अपने नए सीजन में. ढेर सारे सेलिब्रिटी, ढेर सारी दिल की बातें, कुछ कही कुछ अनकही, भाई यही था शोबिज़ विद वहबीज़ का हाईलाइट जो आपने हर हफ्ते देखा सास बहू और बेटिया में. उनसे भी प्यारी तेरी बातें. मुंबई से श्रुति बजाते के साथ आज तक ब्यूरो. आऊं ना होश में मैं कभी बाहों